हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। एंड आज के वीडियो में आई थॉट कि लाइक बहुत टाइम से हमने फुल फेस ऑफ मेकअप नहीं किया है, तो आज वो कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको फेस पे मेकअप करने के लिए चाहिए रहेगा एक फेस तालियां। अगर आपके पास एक चेहरा नहीं है तो आप किसी और का भी रेंट कर सकते हैं, मतलब बोरो कर, नहीं मतलब लिटरली बोरो नहीं कर सकते, बट आपको अगर मेकअप प्रैक्टिस करना है तो आप किसी को बिठा सकते हैं कि आप बैठ जाओ, मैं आपके ऊपर प्रैक्टिस करूँगी। वैसे आपको एक फेस चाहिए होगा एंड फिर मेकअप चाहिए होगा, वो ऑब्वियस ही बात है। एंड बाई फेस आई मेंट कि आपको एक क्लीन फेस चाहिए होगा। तो राइट नाउ मैंने फेस वॉश कर लिया है अपना और मॉइस्चराइजर लगा लिया है। मेक श्योर यू मॉइस्चराइज लाइक 5-10 मिनट्स प्रायर टू अप्लाइंग मेकअप, सो दैट यू नो मेकअप गेट्स अब्जॉर्ब नाइसली इन टू योर नो द मॉइस्चराइजर गेट्स अब्जॉर्ब नाइसली इन टू योर स्किन एंड देन यू स्टार्ट विथ योर मेकअप एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट आई विल यूज अ प्राइमर। आई एम यूजिंग द वतन प्रोफेशनल प्राइमर, लॉन्ग लास्टिंग 24 आवर प्रो मैट फिनिश, ऑयल फ्री वाला। आई एम जस्ट यूजिंग अ लिटिल बिट। अगर प्राइमर की ज़्यादा ज़रूरत एक्चुअली होती नहीं है अगर आप डेली वेयर के लिए यूज़ करते हैं, बट इफ़ यू लाइक यूजिंग अ प्राइमर देन आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू यूज़ इट। उसको ऐसे घिसना नहीं है, जस्ट डैब करना है ताकि जो आपके पोर्स हैं ना इधर, वो सारे उसमें फिल हो जाएंगे और स्किन थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। I have like a little bit of large pores over here, तो इसीलिए मैं इधर use कर रही हूँ एंड थोड़ा uneven surface है मेरी nose पे, so I'm using it over there. बाकी पूरे चेहरे पे मैं use नहीं कर रही। And mostly लोग जब भी primer use करते हैं तो they only use it on the T zone. अभी T zone क्या होता है, ये और ये ऐसे T बनता है ना, तो T zone पे, क्योंकि that is where people get ऑयली मोर ऑफन, लाइक उधर ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है आपकी स्किन नॉर्मली फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, तो इसीलिए। उसके बाद आई एम यूजिंग द फाउंडेशन। आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं जो भी आपको सूट कर रहा है। आई एम यूजिंग दिस वतन फुल कवरेज फाउंडेशन इन द शेड क्लियर बेज 151। उसका थोड़ा सा मैं अपने हाथ पे लेके देन विद द हेल्प ऑफ द फिंगर आई विल जस्ट डॉट इट ऑन माई फेस। डायरेक्ट अगर आप फाउंडेशन ब्रश में लेंगे ना तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि, क्योंकि नॉर्मली फाउंडेशन ब्रशेस डेंस होते हैं तो फाउंडेशन पूरा ब्रश के बॉटम तक उतर जाएगा और वो आपकी स्किन पे नहीं लगेगा सही से। सो आई प्रेफर कि पहले ना ऐसे मुंह पे लगा ले एंड देन यू ब्लेंड इट विद अ ब्रश या स्पंज जो भी है। फिर एक फ्लैट ऐसा कबूकी ब्रश लेके इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसको ऐसे घिसना नहीं है, उसको टैप 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 ऐसे करके, ताकि आपको कवरेज ज़्यादा मिले, क्योंकि अगर आप ऐसे स्लाइड करोगे ना तो वो पूरा फाउंडेशन मूव हो जाएगा और आपका कोई भी जहाँ पे एरियाज है वो कवर नहीं होगा सही से। तो ऐसे करके पूरे फेस पे जो ये फाउंडेशन है उसको ब्लेंड कर लेना है। एंड आई प्रेफर कि मैं अंडर आई पे फाउंडेशन ना लगाऊं क्योंकि उधर कंसीलर भी आएगा, सो लाइक आई डोंट वांट टू लेयर मोर। तो हमारा फाउंडेशन हो गया। अभी नेक्स्ट वी आर गोना मूव ऑन टू कंसीलर। आई एम यूजिंग द टार्ट शेप टेप ओवर हियर। दिस इज इन द शेड लाइट मीडियम एंड आई डोंट लाइक यूजिंग मच कंसीलर, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा उतनी आपकी स्किन कीकी लगेगी एंड वो फिर ज़्यादा ऑयली हो जाएगी वगैरह। सो आई एम जस्ट यूजिंग वेरी लेस ऐसे डॉट करके, पूरा ट्राइंगल हमें नहीं बनाना है एंड अ लिटिल बिट ओवर हियर। और जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए उधर आप ये लगा सकते हैं। आई थिंक दिस इज इनफ एंड वाओ,
कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। ओके एनीवे, अभी इसको हम एक मिनट सॉरी इसको ब्लेंड कर लेंगे। मैं सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ। व्हेन ब्लेंडिंग द कंसीलर ट्राई टू लुक अप ताकि जो आपकी क्रीज है ना उस पर भी अच्छे से ब्लेंड हो जाए, क्योंकि आप नीचे देखोगे तो आपकी क्रीज ऐसे क्या बोलते हैं नज़दीक हो जाएगी, ज़्यादा क्रीज हो जाएगी, ऊपर देखेंगे तो फ्लैट ओपन अप हो जाएगी, तो यू कैन ब्लेंड इट प्रॉपरली ओवर देयर। अभी ये जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको थोड़ा जल्दी काम करना पड़ेगा टू अवॉइड द कंसीलर सेटलिंग इनटू योर क्रीज। बिफोर अप्लाइंग पाउडर मेक श्योर यू लुक अप एंड या यू मेक श्योर दैट देर आर नो क्रीजेस एंड कंसीलर वो आपके क्रीज में सेटल ना हो जाए वैसे। तो अभी बिना नीचे देखे फिर आपको थोड़ा पाउडर लेना है एंड देन यू सेट इट ताकि आपका कंसीलर क्रीज ना हो। And then I'm going to apply the powder over here also on the eyelids. I'm using the Rimmelka Stay Matte powder. Iska shade is silky beige 005. And thoda sa yahan pe bhi aur yahan pe bhi main laga lungi. Next I'm going to apply a liquid blush. If you don't have this, you can skip this step. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ द फेस शॉप का वाटरी टिंट इन द शेड रोज गार्डन, आई थिंक यस 06 रोज गार्डन। माइंड यू दिस इज़ वेरी पिगमेंटेड, ये वाला कुछ ज़्यादा ही पिगमेंटेड है एंड बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो इसके साथ भी आपको बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो। सो जस्ट अप्लाई 2-3 डॉट्स एंड आई एम यूजिंग द सेम फाउंडेशन ब्रश एंड उसको मैं ब्लेंड कर दूंगी ऐसे। याद रहे अगर इफ यू डोंट वांट योर फेस टू लुक राउंड डोंट अप्लाई ब्लश जस्ट ओवर हियर, ऐसे ऐसे अप्लाई कीजिए ब्लश ताकि आपका फेस थोड़ा ऐसे लॉन्ग दिखे। आई एम गोइंग टू डू द सेम ऑन द अदर साइड एंड जल्दी जल्दी इसको ब्लेंड करना है। And it gives a beautiful natural finish, you know, ऐसा जैसे आपकी स्किन ही ऐसे फ्लश कर रही है या आप अंदर से ब्लश कर रहे हो वैसा वाला। थोड़ा और एंड जो भी लेफ्ट ओवर होगा वो थोड़ा सा नोज पे, ताकि इतना मेकअप लगाने के बाद भी ऐसा लगे कि वाह ये सब नेचुरल है, जो कोई मानने वाला है नहीं, बट फिर भी वी कैन ट्राई आवर बेस्ट, क्यों ऐसे कोशिश ना करें। एंड पूरे फेस पे मैंने पाउडर भी इसीलिए नहीं लगाया था क्योंकि ये टिंट मुझे अप्लाई करना था। याद रहे जब भी आप टिंट अप्लाई करते हो तो ऑलवेज क्रीम प्रोडक्ट्स के ऊपर ही अप्लाई कीजिए या लिक्विड प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि एक बार पाउडर सेटल हो जाएगा तो उसके ऊपर फिर से आप लिक्विड डालोगे तो वो ना पूरा एक जगह पे चिपक जाएगा। सो देन अगेन आई एम टेकिंग द पाउडर एंड वेरी लाइटली अप्लाइंग इट एवरीवेयर। आई डोंट नीड टू अप्लाई द पाउडर क्योंकि मेरी बहुत ड्राई स्किन है, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मेक श्योर दैट यू नो सेट योर फेस विथ द पाउडर। फॉर माई ब्राउज टूडे आई एम यूजिंग दिस उषाज आईब्रो पेंसिल इन द शेड ग्रे ब्लैक एंड इट हैज़ अ वेरी फाइन टिप, सो अच्छे से हो जाता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू फिल द आउटर वाला पार्ट ऑफ दिस लाइक द एंड, ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि माई आईब्रोज आर ऑलरेडी लाइक वेरी इन द फेस, डार्क है मेरे ब्राउज, सो इसीलिए बस इतना सा। एंड इसमें ही ब्रश आता है, ये स्पूली ब्रश, वाह ये कैप में ही निकल, वाह धोखा ऐसे कैसे, हेलो निकलो,
हाँ ओके निकल गया। अभी इसको वापस फिट करेंगे हम लोग। फिट हो गया, उसके बाद इसको ऐसे ब्लेंड कर लेंगे। एंड ये ब्रश में जो भी प्रोडक्ट आएगा उससे फ्रंट में ऐसे उसको कर देंगे ताकि थोड़ा शेड प्रॉपरली हो जाए, क्योंकि आप ऐसे फ्रंट में ड्रॉ करोगे ना तो वो बहुत हार्श लगेगा। और फिर सब आपकी आईब्रोज को ही देखेंगे, आपके चेहरे को नहीं देखेंगे, सिर्फ उधर ही नजर जाएगी डायरेक्ट कि भाई इसको क्या हो गया। एनीवे, सो अगर आप क्रीम ब्लश यूज़ कर रहे हो तो उसको सेट करने की ज़रूरत पड़ती है विद अ पाउडर ब्लश ऑन टॉप ऑफ इट। इधर मैंने क्रीम ब्लश तो यूज़ नहीं किया, मैंने टिंट यूज़ किए, उसको सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट फिर भी ज़्यादा ब्लश किसको नहीं पसंद। सो आई एम यूजिंग द फॉरएवर 22 स्टूडियो ब्लश इन द शेड RB004। इसके नाम ना बहुत ही अजीब है, पता नहीं, बट एनीवे इट्स अ ब्यूटिफुल शेड दो। तो वो मैं थोड़ा लेके इसके ऊपर ऐसे अप्लाई कर दूंगी। इट्स लाइक रियली प्रिटी। तो ये ब्लश हो गया एंड थोड़ा सा नोज पे, एंड इसको कनेक्ट कर देंगे हम ऐसे, पूरा ऐसे W बनाएंगे। तो ये हो जाने के बाद व्हाट आई लाइक टू डू इज लाइक बिफोर स्टार्टिंग द आई मेकअप, ये पूरे फेस को ही हम सेट कर लेंगे। आई एम यूजिंग द L'Oreal Infallible Fixing Mist एंड उसको पूरे फेस पे ऐसे छिड़क देंगे एंड फिर उसको ड्राई होने देंगे। हवा हवाई हवा हवाई सॉरी। Now for the eyes today, I'm going to use this Love Me palette by Vatten Italy, and it's a pretty decent palette. It has all the basic colors that you would need. And आज कुछ ज़्यादा तो नहीं करना आँख पे, but कुछ तो करते हैं चलिए। So I'm just taking this shade. ये brown सा nude shade है, वो ऐसे brush पे लेके उसको excess हमें tap off करना है। And then I'm just going to apply it on the eyes. And then फिर उसको blend करना है अच्छे से। तो ये दोनों eyes पे हो गया। अभी same shade लेके हम under eye पे लगा लेंगे। Under eye पे जब भी आपको eye shadow लगाना है तो it's best कि आप ऊपर देख के ऐसे लगाएं, क्योंकि नीचे देखेंगे तो लाइक अगर नीचे देख के ऐसे करेंगे तो ये ना ऐसे जुड़ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। सो ऐसे ऊपर देख के करेंगे तो अच्छे से वो स्प्रेड हो जाएगा एंड देन यू कैन अप्लाई इट नाइसली। अभी हम आते हैं आईलाइनर पे, और अगर आप मेरे को थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि मैं कौन सा आईलाइनर यूज़ करने वाली हूँ। आई एम यूजिंग द एसेंस का लिक्विड इंक आईलाइनर, क्योंकि दिस इज़ बाय फार द बेस्ट आईलाइनर आई हैव एवर यूज्ड, इट्स जस्ट अमेजिंग। तो वो लगा लेंगे। अगर आप, इट्स बेटर कि आप मिरर ना थोड़ा नीचे प्लेस करें, क्योंकि ऐसे करेंगे तो आपकी आँख खुली रहेगी और वो सही से नहीं लग पाएगी। तो आप नीचे देखेंगे तो आंख बंद हो जाएगी। सो यू कैन अप्लाई इट बेटर दिस वे। फॉर मस्कारा आई एम गोइंग टू यूज द L'Oreal का लैश पैराडाइज वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा। दिस अगेन इज बाय फार द बेस्ट मस्कारा आई हैव एवर ट्राइड। तो इसको अप्लाई कर लेंगे एंड आप अपने लोअर लैशेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आई डोंट प्रेफर यूजिंग दैट और अप्लाइंग दैट बिकॉज मेरी आंखें ना अजीब लगती है, जब भी मैं ऐसे नीचे अप्लाई करती हूँ ना तो आई लुक वेरी हिडियस, पता नहीं अजीब वो गरीब लग जाती हूँ मैं, तो मैं ये चीज़ अवॉइड करती हूँ। फॉर लैशेज नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दीज Vatten लैशेज इन द शेड Faenza, इसका नाम है इन द वेरियंट। एंड इसकी लैश ग्लू के लिए आई एम यूजिंग द पैक का लैश फिक्सर।
दिस इज अ ब्लैक लैश ग्लू. आई वुड सजेस्ट, अगर आप नए हैं लैशेज में तो आई वुड सजेस्ट कि यू गेट द क्लियर वन. इसका एक क्लियर वाला भी आता है, बट मैंने ऑर्डर प्लेस करने के टाइम, बीइंग द स्मार्ट वुमन आई एम, मैंने देखा नहीं कि ये कौन सा है और ये ब्लैक में आ गया. तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आई डोंट माइंड इट, बट अगर आप कंप्लीट बिगिनर है लैशेज में तो क्लियर वाला ऑर्डर कीजिएगा. डोंट बी स्टूपिड लाइक मी, डोंट बी क्रिश एंड डोंट ऑर्डर अ ब्लैक लैश ग्लू. ओके, ये भी अच्छा है, दिस इज़ अ प्रिटी गुड लैश ग्लू. इट स्टेज, इट डज नॉट कम ऑफ ईजिली, तो लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो आप क्लियर वाला ले सकते हैं. So I have applied my lashes. Next we are going to move on to highlighter. I'm using the Wet n Wild ka highlighting powder in the shade Precious Petals. And first of all I'm going to take a brush like this. And usme thoda sa ye leke hum brow bone ke under lagayenge. Ye lag gaya. We're gonna do the same over this side. एंड देन थोड़ा सा और लेके थोड़ा इनर कॉर्नर पे. एंड अ लिटिल बिट ऑन द टिप ऑफ द नोज, लाइक ओवर हियर ब्रिज ऑफ द नोज एंड थोड़ा ऑन द टिप ऑफ द नोज. फिर थोड़ा बड़ा ब्रश लेके just apply it on your cheekbones. And finally aata hai lip color. Uske liye I'm using this Maybelline's ka Super Stay Matte Ink in the shade 20 Pioneer. मुझे ना थोड़ा डार्क शेड लगाना था क्योंकि आई थिंक 84 ईयर्स हो गए हैं सिंस मैंने कोई डार्क लिपस्टिक लगाया है, तो इसीलिए 84 थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट हाँ 84 ईयर्स हो गए. सो या I'm just going to apply this. तो मैंने लिप कलर भी लगा लिया एंड दिस इज आवर कंप्लीट लुक. हो गया हमारा मेकअप, अभी हम रेडी है बाहर जाने के लिए और इन्जॉय करने के लिए. बट अभी कोई मेरे साथ बाहर जाने वाला है नहीं, तो मैं चुपचाप एक कोने में जाके अपने ये मेकअप रिमूव करके सो जाऊंगी. एनीवे अगर आपको कहीं बाहर जाना है ऐसे मस्त टमक थई ने, लाइक इन आर लैंग्वेज, इफ़ यू वांट टू गो ऐसे सच तच के कहीं, आप ऐसे रेडी हो जाइए, मेरा ट्यूटोरियल देखिए और ऐसा मस्त मेकअप कीजिए. मैं अपनी खुद की तारीफ कर रही हूँ इधर, बट इट्स ओके, यू शुड ऑलवेज डू दैट. एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन give this video a huge thumbs up and like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए मेरे channel को जल्दी से. and I will see you in my next video. till then bye bye, take care.